हेलो भाई, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। भाई ये है अपनी बुलेट और आज इसकी कुछ खामियां की बात करेंगे भाई, जो इसमें नेगेटिव्स हैं, जैसा बोल सकते हो नेगेटिव। लेकिन भाई वैसे मैं कास की बनाता हूँ, लेकिन मुझे इसकी क्यों बनानी पड़ रही है वो मैं आपको बताऊंगा आगे जाके। जब इसको ड्राइव करते सब कुछ महसूस होता है क्या क्या इसमें आ चुकी है। 4 साल बाद 2017 में ली थी और भाई ये BS4 मॉडल है, सिल्वर कलर में जो आता था, देख सकते हो। और भाई यूपी की है क्योंकि मैं भाई यूपी से ही हूँ वैसे बेसिकली, पर रहता रायपुर में हूँ। तो भाई ये भाई चलाते हैं, तो भाई बताया भाई ने कि क्या क्या दिक्कत होती है और भाई हमें भी पता चला जब हम देखे हमने इन चीज़ों में। तो मैं आपको शुरू से बताता हूँ। तो भाई जो पहली काम ही है ना वो है भाई इसका जो सेल्फ है, ये भाई ये जो सेल्फ है ना ये मतलब बेकार है यार, मतलब काम ही नहीं करता। अभी नवंबर का टाइम चल रहा है ठंड का, तो मैं आपको दिखाता हूँ। भाई अभी वीडियो में दिखाने के लिए चालू हो गया है, खैर हम इसको चला के भी लाए तो इसलिए उसकी वजह से हो रहा ही है। लेकिन भाई जब इसको सुबह निकालते हैं और जब करते हैं ना, स्टार्ट ही नहीं होती भाई, इतना सर दर्द होता है, मतलब कितनी भी बार इसको करो इससे नहीं, इससे तो होगी ही नहीं। आपने सुबह करी और इंजन ठंडा है तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती इससे। तो चलिए भाई हम किक भी ट्राई करते हैं, कम से कम भाई 10 या 15 किक मारते हैं और भाई ये दब जाके होती है, धक्का दे के करना पड़ता है। तो यार ये मतलब बहुत ही डिसअपॉइंट है यार, कितना भी ट्राई कर लो कितना भी कर लो सेल्फ से तो सुबह हो नहीं सकती। अब क्यों हो रही है, क्योंकि हम इसको चला के लाए इसलिए हो रही है। और किक भी भाई 10 या 15 मारनी पड़ती है तब जाके तो ये होती है। और भाई जो सेकंड है ना वो तो भाई मतलब अलग ही लेवल की है भाई। हमने इसकी बैटरी जो है बुलेट में आती है, कौन सी कंपनी की आती थी मैं नहीं पता। अभी तो हमने इसमें, मैं दिखाता हूँ आपको कौन सी डलवाई है। ये भाई कुछ AMC को AMCO की करके है भाई, ये है इसमें इसमें ये चौथी बैटरी है भाई इसकी, मतलब 3 बार बैटरी खराब हो चुकी है, मतलब समझ सकते हो 3 बार इसकी बैटरी खराब हो चुकी है, कोई मतलब भी नहीं है। और मैं बताता हूँ आपको वो किस रीजन से होती है। जब आप इसको स्टार्ट करते हो ना, और जब आप इसको करके आप ऑन ऑफ करते हो, तो भाई इससे ना इसमें मतलब पटाखे वगैरह फूटते हैं, फायर वगैरह निकलती है, तो वो भाई उससे ना इंजन पे इस इंजन पे नहीं बैटरी पे बहुत ही गंदा लोड पड़ता है, जिसकी वजह से बैटरी बहुत वीक हो जाती है बहुत ही ज्यादा। भाई इसी यही कारण होता है जिससे बुलेट की बैटरी खराब होती है जल्दी। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ये हमने लगवा रखा है, क्योंकि BS4 में उस टाइम आता था ना ये करके आप भाई मतलब ऑन करते थे चाबी को तो ये ऑन हो जाता था लाइट, लेकिन अब ये छोटी वाली होती है क्योंकि हमने यहाँ से सेटिंग करवा दिया इसकी। भाई जब ये ऑन हो जाती है ना इतना मतलब बैटरी थोड़ी देर में ही पी जाती थी, अगर थोड़ी देर मतलब आप कहीं से आए हो थोड़ी सी मतलब गाड़ी मतलब स्टार्ट नहीं है लेकिन बस आपने ये स्टार्ट कर रखा है तो भाई इसकी बैटरी बीत जाती थी, तो ये बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट था यार। BS6 जो आ रही है उसमें आपको ये नहीं मिलता तो ये अच्छा है, उसमें सिर्फ आपको ये जो छोटी वाली लाइट आती है वो लगती है। और वैसे भाई गाड़ी चलने वाले इसमें बात करें तो बहुत अच्छी है, हालांकि इसके सस्पेंशन अब बेकार हो चुके हैं, आप देख सकते हो MRF के इसमें टायर आते हैं। चलने में कैसी है? बढ़िया भाई, मैंने भी चलाई और मैं दिखाऊँ आपको, ये चल चुकी है 29,699, तो लगभग 30,000 चलने वाली है 3-4 सालों में। तो भाई ये जो दिक्कत है ना बहुत ही डिसअपॉइंट, बहुत ही दुखी करती है इसकी, बाकी गाड़ी चलने में बहुत अच्छी है और हर चीज़ में देखो तो लुक्स वगैरह में आप देख सकते हो बुलेट भाई कोई मुकाबला ही नहीं है इसका, बहुत अच्छी गाड़ी है। यही थे भाई कुछ इसके जो नेगेटिव जो लगते हैं मुझे। और सो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।